हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं ये वाली तोरण बना के दिखाऊंगी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस तोरण को कंप्लीट करके दिखाया था। देखिए, अब इसमें हम लटकन लगाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बनाना। देखिए, यहाँ पर से यहाँ पे देखिए, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद इसमें हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया छोड़ के चौथी डबल क्रोशिया में हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर यहाँ पे हम एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया छोड़ के देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। तीन को छोड़ के चौथी में इस तरीके से। फिर से यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर हम उसी तरीके से जोड़ देंगे तीन को छोड़ के चौथी में। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक दो तीन, तीन को छोड़ के चौथी में हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। देखिए, अब यहाँ पे हम दो चेन बनाएंगे, एक दो, और यहीं पे हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद देखिए, इस वाले में हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर हम इससे आगे वाले में जोड़ देंगे। फिर हम तीन चेन बनाएंगे, फिर उससे आगे वाले में जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम देखिए, यहाँ से और यहाँ देखिए, यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से और यहाँ तक देखिए बना लिया है इसको। देखिए यहाँ तक। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरी में बांध देंगे। फिर हम तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद देखिए, यहाँ पे हम इसको बांध देंगे इस तरीके से। अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पे बांध देंगे इस तरीके से। फिर से तीन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे लाके इसको बांध देंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, फिर से तीन चेन बनाएंगे, फिर हम इसको यहाँ पे बांध देंगे। फिर हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद एक दो तीन, देखिए तीसरी, एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम इसको बांध देंगे इस तरीके से। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में बांध देंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है और यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। ग्यारह चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए, धागा हम लंबा खींचेंगे इतना लंबा, और इसमें धागे को हम क्रोशिया में लपेटेंगे। तो एक दो तीन चार, देखिए चार बार हमने धागा लपेट लिया। इसको हम बना देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर धागा इतना लंबा खींचेंगे, फिर यहाँ पे हम धागा क्रोशिया में लपेटेंगे। एक दो तीन चार, देखिए अब फिर से हम इसको बना देंगे इस तरीके से, और हम इसको यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे हमने 11 चेन बनाई थी। अब हम इस बार यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। 10 चेन बनाने के बाद देखिए, हम यहीं पे इसको जोड़ देंगे
तरीके से हमको लटकन बनाने हैं। फिर से हम यहाँ पे 11 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन बनाने के बाद देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे, पफ या लटकन जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। तो हम बना लेते हैं, हमने एक आप लोगों को बना के दिखाया और यहाँ पे हम दो और बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखिए एक आपको बना के दिखाया था लटकन और दो हमने और बना लिए, तो तीन लटकन हमने यहाँ पे बना लिए हैं। देखिए इस तरीके से, ऐसे ही आप लोग भी बनाना जैसे हमने बना के बताया है आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम फिर से देखिए तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3 तीन चैन बनाने के बाद इसको देखिए यहाँ पे हम इसको छोड़ के यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देखिए बांध देंगे। फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3 तीन चैन बनाने के बाद देखिए इससे आगे वाले में हम इसको बांध देंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3 फिर हम उससे आगे वाले में बांध देंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक बना के लाएंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे लटकन बनाए हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 11 चैन बनाई थी इस वाली चैन में, और फिर हमने ये लटकन बना के यहाँ पे हमने 10 चैन बनाई थी। यहाँ पे हम ज़्यादा चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे हम 15 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम फिर से लटकन बनाएंगे, 1 2 3 4 इसको हम बना देंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ पे लटकन बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से इसको भी बना देंगे और यहाँ पे लाके हम जोड़ देंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने 15 चैन बनाई थी, यहाँ पे फिर हम 14 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन बनाने के बाद इसे हम यहीं पे इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। तो हमने एक लटकन यहाँ पे बना लिया है। देखिए इस तरीके से एक लटकन हमारा यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे भी हम जैसे हमने यहाँ पे तीन लटकन बनाए हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी तीन लटकन बनाएंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, देखिए ऐसे ही हम तीन यहाँ पे बनाएंगे, तीन यहाँ पे लटकन बनाएंगे और तीन तीन यहाँ पे बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरी तोरण में बना लेते हैं यहाँ से यहाँ। और देखिए यहाँ पे हम जैसे हमने इधर बनाया और देखिए यहाँ पे बनाया, वैसे ही हम यहाँ पे बना के और उनको काट देंगे। तो हम बना लेते हैं पूरी तोरण में, और आप लोग भी ऐसे ही बना लेना। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी तोरण में लटकन बना लिए हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे छोटे बनाए हैं और इनको मैंने थोड़ा बड़ा बना, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमने बना के धागा काट दिया है। अब इसमें लगाने के लिए हम फूल बनाएंगे। चलिए मैं आपको फूल बना के बताती हूँ तोरण में लगाने के लिए। इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले चैन बनाएंगे, तो चैन यहाँ पे हम 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 चार चैन बनाने के बाद हम यहीं पे जोड़ देंगे जहाँ पे हमने शुरू किया था। फिर से हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3 तीन चैन बनाने के बाद देखिए इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक जो हमने चैन बनाई थी वो और एक डबल क्रोशिया, तो 2 3 4 5 देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम फिर से चैन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे लाके हम देखिए इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर
फिर से हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद फिर इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। देखिए इस तरीके से फिर से यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और हम इसके अंदर इसको भी जोड़ देंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। देखिए फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और हम यहीं पे इसको जोड़ देंगे और एक चेन बना के धागा काट देंगे। तो देखिए एक चेन बना के धागा काट दिया, इसको हम पीछे की साइड इसको छिपा देंगे इसी में फंसा के। इस तरीके से देखिए एक फूल हमारा बनके कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मैं और बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पांच फूल और बना लिए हैं। अब मैं आपको लगाना बताती हूँ। तरीके से सीधी साइड लगाएंगे। देखिए एक फूल हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, एक फूल हम यहाँ पे लगाएंगे और एक फूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम पूरी पट्टी में फूलों को इसी तरीके से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सुई में हमने धागा डाल लिया है। अब मैं आपको लगाना बताती हूँ। फिर नीचे से हम सुई को डालेंगे इस तरीके से फूल को फंसाते हुए, और इधर भी फंसा लेंगे इस तरीके से, और इसमें हम अच्छे से नोट लगा देंगे ताकि ये फूले ना। धागा हम काट देंगे। तो एक फूल हमने लगा के देखिए कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आप लोगों को एक फूल लगा के दिखाया, वैसे ही मैं पूरी तोरण में लगा लेती हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी तोरण पट्टी में लगा लिए हैं फूल। देखिए इस तरीके से तो हमारी पूरी तोरण बनके कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।